नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त आपका दोस्त। आज हम सीआरपीसी 125 के बारे में आज हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं अपना जो परिवार दाखिल जब करती हैं तो उसमें बहुत सारे तथ्य झूठे लिखवा देती हैं, जैसे कि पति की इनकम, पति के बारे में कि वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, और मैं बेरोजगार हूँ, मेरे घर में कोई आय का साधन नहीं है। इस तरीके से तमाम झूठ उसमें लिखे जाते हैं, लेकिन कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट आदेश कर देता है। जब कोर्ट से जब आदेश ले लेती है वो, तो वो क्या करती है कि एजुकेशन फाइल करती है उस पर कि रिकवरी के लिए, और उसमें लिखती है प्रार्थना पत्र में कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है, अवमानना की गई है, और जो लेवी अमाउंट है वो दिया नहीं गया है जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था। तो हम आपको इसी के बारे में आज बताने वाले हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि पति से गलती क्या होती है और उसको हम पकड़ नहीं पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब कोई महिला सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 3 के तहत में जब प्रार्थना पत्र देती है कि साहब माननीय न्यायालय ने आदेश किया, इतना पैसा ड्यू है और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या करती है, वो अधूरा प्रार्थना पत्र लिखती है। जबकि सीआरपीसी 125 3 में कंडीशन दी गई है कि जो जज हैं, फैमिली कोर्ट के जज हैं, वो तभी आगे का प्रोसेस कर सकते हैं जब वो कंडीशंस फॉलो हो रही हो। तो हमने देखा कि क्या करते हैं कि 125 सबसेक्शन 3 का जैसे ही प्रार्थना पत्र जाता है तो वो क्या करते हैं, सम्मन के लिए आदेश पारित कर देते हैं, और अगले तारीख पे वारंट जारी कर देते हैं कि नहीं, आप आइए, या तो पैसा दीजिए या आप जेल जाइए। तो यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से, जैसे मैंने व्यक्तिगत देखा, यहाँ से इलीगल प्रोसेस हो गया ये वारंट का। सीआरपीसी 125 3 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट वारंट तब जारी कर सकता है जब वो महिला कंडीशन फुलफिल कर रही हो, कि साबित कर रही हो कि पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी जान को खतरा है, तो उसकी जान को खतरा की आशंका को भी उसको साबित करना पड़ेगा। अगर इस तरीके के अगर तथ्य दे रही है उसमें ये लिखा कि मजिस्ट्रेट वारंट तब जारी नहीं कर सकता है यदि वो महिला एडल्ट्री में रह रही हो, या वो महिला सेपरेशन में रह रही हो, या वो महिला बिना किसी कारण के अपने पति का परित्याग कर रही हो। तो जब वो महिला सीआरपीसी 125 3 का जब प्रार्थना पत्र दाखिल करती है तो उसमें कहीं मेंशन नहीं करती कि हमारे साथ ऐसी जाती हुई और ये माननीय न्यायालय में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आदेश था वो डिसाइड हुआ नहीं हुआ ये देखने वाली बात है कि वो मेरिट पे डिसाइड हुआ क्या, एक्स पार्टे हुआ। क्योंकि तो अमूनन आपने देखा होगा कि फैमिली कोर्ट में आदेश जो होते हैं वो एक मैकेनिकल वे में ये सोच के किया जाते हैं कि महिला है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आप खूब सारे सबूत दे दीजिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के संबंध में हम बता रहे हैं कि 125 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में ये साफ तरीके से प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट तब वारंट जारी नहीं कर सकते हैं जब वो महिला बिना किसी कारण के अपने पति का परित्याग कर रही हो, या वो सेपरेशन में रह रही हो, या वो एडल्ट्री में हो। लेकिन महिला तब अपने पति से भरण पोषण ले सकती है या उसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, या उसका पति एडल्ट्री में रह रहा हो, या उस महिला को अपने पति के साथ रहने में कोई जान का ऐसा जोखिम लग रहा हो कि वो नहीं रह सकती। और जब जान का जोखिम की बात आती है तो ये महिला को साबित करना होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, सीआरपीसी 125 3 का प्रार्थना पत्र लिख देते हैं, दो चार लाइनें लिख देते हैं, और मजिस्ट्रेट साहब उस पर सम्मन जारी कर देते हैं,
सम्मन के बाद वारंट उठा दे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पति का पक्ष जरूरी है, ये साबित करना पड़ता है पति को कि ये हमसे बिना कारण अलग रह रही है, ये एडल्ट्री में है या सेपरेशन में है। उस कंडीशन में अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो अपने आदेश को खारिज भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों का बहुत सारा सहयोग रहा है। और अगर आप लोग कंसल्टेशन हमसे चाहते हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप मेरी मदद करिए, मेरी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। 300 रुपये आधे घंटे के लिए, अगर आप रिटेन वर्क करवाना चाहते हैं, अपना कोई पेपर तैयार करवाना चाहते हैं, तो उसका हम अलग से पैसा लेंगे। यही है और इसी के सहारे हम लड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।